थैंक यू अन्ना लिफ्ट देने के लिए। ओके बोला। ओके चलिए भाई साहब, हम फिर से पहुंच चुके हैं पुडुचेरी, और इधर से जाता है त्रिची सेलम। बहुत थक चुका हूं आज, बहुत ज़्यादा ही। जब यहां पर कोई आएगा पेट्रोल भरवाने ना, तब मैं लिफ्ट मांग कर जाऊँगा। हाँ वीडियो जय मिथिला जय मैथिली। तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक एडवेंचर ब्लॉग में, और मैं हूं आप लोगों का दोस्त ऑल इंडिया बाईसाइकिल राइडर साकेत। तो देख सकते हो आप लोग को मैं एक अपडेट दे रहा हूं। आप लोग देख सकते हो कि मेरा यहां पे सामान साइकिल से उतरा पड़ा है पूरा, और साइकिल वहां पर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ एक जगह और अपना सामान लाने के लिए, कहाँ पर जा रहा हूँ वो मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। तो वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग देख सकते हो इस पेट्रोल पंप पे मैं रुका था और अपना साइकिल ना वहाँ पर रख दिया हूँ। और लगभग मैं एक ऐसा जगह जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लगभग 30 तारीख को आऊँगा अपना साइकिल लेने। उसके बाद मैं फिर से साइकिलिंग करूँगा, और अभी मैं हिचाइकिंग करके कहीं पे जाने वाला हूँ। वो वीडियो में आगे मिलेगा आप लोगों को। तो मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार हिचाइकिंग करने की कोशिश करूँगा, और मैं बोर्ड वीड सब बना लिया हूँ, और मैं ऐसा जगह जा रहा हूँ जहाँ से मैं पहले आ चुका हूँ। तो चलो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और यहीं पर मैं अपना साइकिल रखा हूँ और अब मैं निकलूँगा, और जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ और अपना साइकिलिंग को यहीं पे छोड़ता हूँ। और ये देखो ये बनाया हूँ मैं जाने के लिए लिफ्ट, प्लीज ऑल इंडिया ट्रेवल। साइकिलिंग छोड़ रहा हूँ और अब मैं लिफ्ट मांग के कहीं पे जा रहा हूँ। मतलब हमेशा के लिए साइकिलिंग नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन के लिए साइकिलिंग छोड़ रहा हूँ, और इससे मैं कहीं पे जाने वाला हूँ। वो मैं आप लोगों को वीडियो को अंत में बताऊँगा। और यहाँ पर ये भैया थे जो साइकिल रखने के लिए इजाज़त दिए हैं, इस भैया को बहुत बहुत थैंक यू मैं बोल देता हूँ। थैंक यू भैया, एक बार हाथ में ला लो। अगर ये भैया नहीं देते तो मैं कहीं दूसरा जगह चल जाता, लेकिन दे दिए हैं और मैं सिर्फ अपना साइकिल रखा हूं। तो इस भैया के लिए एक लाइक कर देना। तो लो जी भाई साहब देखो, हम हो चुके हैं तैयार और लिफ्ट मांगने के लिए, और अब हम जाते हैं रोड पे। पीछे मेरा रोड अब मेरा कर रोड है, ये देख सकते हो आप लोग। ट्रक व्रक मतलब एक दो बार ही जा रहा है, तो अब मैं जाता हूँ। और ये देखो बना लिया हूँ मैं, तो मैं जाऊँगा लिफ्ट मांग के, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जो मैं ट्रेन पकड़ लूँ और जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा सामान आएगा, पैसा उसा आएगा, तब उसके बाद मैं आऊँगा। तो चलो मैं इस लिफ्ट को ये बोर्ड को मैं पकड़ता हूँ और मांगने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितना देर बाद मिलता है पहला लिफ्ट। तो भाई साहब ये देखो पेट्रोल पंप पर ही ये ट्रक खड़े हैं। ये जाएगा कुरनूर, तो मैं सोच रहा हूँ पुडुचेरी तक चला जाऊँ, और ये ना बोले हैं छोड़ देंगे मुझे पुडुचेरी तक। तो मैं पुडुचेरी तक चला जाता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा लिफ्ट लेकर ही मैं रायगढ़ पहुँच जाऊँगा। और आप लोगों को बता दिया कि मैं रायगढ़ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं लाइव गया था। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो थैंक यू अन्ना लिफ्ट देने के लिए। ओके बोला। ओके चलिए खोलते हैं आप। खोले लो जी भाई साहब, हम जी भाई साहब हमें मिले हैं लिफ्ट 35 किलोमीटर के लिए, और अब मैं जा रहा हूँ पुडुचेरी तक। इसके बाद मैं चेन्नई के लिए लिफ्ट मांगूंगा, और चेन्नई के बाद मैं सीधा मांगूंगा पुरी के लिए। देखते हैं मिलता है या नहीं। और सबसे पहला लिफ्ट जो दिए हैं ये अन्ना दिए हैं, तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि मैं मुझे तुरंत ये लिफ्ट मिल गया, और बड़ा डर भी लग रहा है।
देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मजा थोड़ा थोड़ा आ रहा है और धीरे धीरे ही ये आए जाते ये है कि देखो अन्ना जा रहे हैं वहाँ पर कुछ देने के लिए। और इस पेट्रोल पंप पे मैं ठहरा था और यहाँ पर देखो मैं पुडुचेरी पहुँच चुका हूँ और इस पेट्रोल पंप पे ना मैं इस साइड सोया था और अभी जा रहा हूँ लिफ्ट लेके। लगभग लगभग ये लिफ्ट 60 से 80 किलोमीटर के बीच में है। हाँ 80 किलोमीटर के बीच में, तो सीधे समझो कि 1700 किलोमीटर था, उसमें से मैं 80 किलोमीटर कर लिया हूँ और देखते हैं कब तक मैं पहुँच पाता हूँ। अगर आज मिल जाएगा ऐसा जो एकदम रायपुरा तक जाता होगा या जो भी, मैं उस रोड से नहीं जा रहा हूँ, चेन्नई वाला रोड से नहीं जाऊँगा क्योंकि उस रोड से मैं आया ही था तो फिर उसी रोड से जाना खराब लगता है, तो इसीलिए मैं जाऊँगा नहीं उस रोड से, दूसरा रूट पकड़ा हूँ। ये ओडिशा में ज़्यादा जाएगा, ओडिशा में ये संबलपुर होते हुए जाएगा, तो उस रोड से मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो गाड़ी वाड़ी चल रहा है पूरा और यहीं पर मैं वीडियो बना रहा था, तो ये अपन जा रहा है, ये वीडियो बन रहा है अपन का, ये देख रहे हो। तो चलो भाई साहब आगे अपडेट देता हूँ या ना कहाँ पे मुझे उतारते हैं। साहब हम फिर से पहुँच चुके हैं पुडुचेरी और इधर से जाता है त्रिची सेलम चला जाता है, आप लोग देख सकते हो। और यही रोड होके मैं आया था उस टाइम भी। और अन्ना बोल रहे हैं कि यहाँ पर लगभग लगभग 3 घंटा रुकेगा, उसके बाद जाएगा जहाँ पे ये गाड़ी जाना है, तो इतना देर तो मैं रुकूंगा, मैं कोई दूसरा की क्या कहते हैं देखूंगा, लिफ्ट मांगूंगा और उसके बाद जाऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कहाँ से जाऊँ, फिर मन बदल रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर लग रहा है चेन्नई होते ही जाऊँ क्योंकि उधर से लिफ्ट ज़्यादा मिलता है और जिस रूट से मैं जा रहा हूँ उस रूट से कम मिलता है और जल्दी हमको पहुँचना भी है। तो मैं आगे का अपडेट आप लोगों को देता हूँ, क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, वो आगे का क्या प्लान बनता है। ये है भाई नमक का खेती हो रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, ये है नमक का खेती, नमक बोले तो साल्ट। और इधर एक बहुत बड़ा लेक है, कौन लेक है उतना हमको नाम नहीं पता, जब मैं यहाँ से जा रहा था साइकिल से भी तो मैं देखा था ये लेक पर होता है नमक का खेती, ऐसा मैं चिल्का लेक के पास देखा था। और अभी का नजारा कुछ इस तरह है आगे का। तो भाई मेरे पहला राइड ही बहुत दूर के लिए मिला है, तिरुपति के लिए। यहाँ से मैं पहले पुडुचेरी 35 किलोमीटर आया हूँ, वहाँ से लगभग लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर इधर तक आया हूँ, ये कौन जगह उतना नहीं पता, लेकिन अभी मैं चला जाऊँगा कांजीपुरम से तिरुपति, तिरुपति में मैं उतरूँगा, मैं अपना रास्ता सेट किया हूँ, तिरुपति से उतरूँगा, तिरुपति के बाद विजयवाड़ा, नेल्लूर से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से रायपुर के लिए मैं लूँगा क्या कहते हैं ये लिफ्ट। तो बढ़िया है, मिलते हैं कहें कि तिरुपति में, और या नहीं तो तिरुपति में नहीं होगा उससे पहले। ये जो रोड देख रहे हो ना आप लोग, ये है SH-58, ये रोड लेके जाएगा कांचीपुरम तक, कांचीपुरम जो भी हो तो वहाँ तक लेके जाएगा। और अन्ना जाएंगे बिलोर से होते हुए चला जाएगा तिरुपति में गया था, तिरुपति से कह पकड़ूंगा नेल्लूर के लिए, नेल्लूर से पकड़ूंगा सीधे अपना विजयवाड़ा से फिर रायपुर के लिए।
चलो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं रायपुर से रायगढ़। भाई साहब उस अन्ना भाई साहब ने मेरे को यहाँ पर उतार दिया है ये धर्म कांटा पे, और वो जाएगा कल शायद तिरुपति, तो इसीलिए मुझे बोला उतर जाने के लिए, बोला कि माल लोड होगा उसके बाद जाएगा तिरुपति। तो मैं बोला कल जाएगा निकलेगा तो उससे अच्छा है कि मैं ना चेन्नई वाला रूट पकड़ लेता हूँ और डायरेक्ट चल जाता हूँ बालेश्वर तक, क्योंकि उस रूट पे अपना बिहार का यूपी का बहुत से लोग मिलते रहते हैं, इसी कारण मैं वो रूट पकड़ता हूँ। यहाँ से लगभग लगभग 2 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, उसी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ और ये सब सामान है मेरा, पीछे देख रहे हो तो वो सब सामान लेकर मैं चलता हूँ और उस पेट्रोल पंप पे, और लिफ्ट मिलता है उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ और कहाँ के लिए मिलता है वो भी देता हूँ, क्योंकि भैया थोड़ा देर, क्योंकि लिफ्ट मांगना इधर थोड़ा कठिन है लेकिन मुश्किल तो नहीं है ना ही असंभव है। और यहाँ पर हमको लगभग लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का लिफ्ट मिला पहली बार, और पहली बार मैं यात्रा किया लिफ्ट लेके, तो बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैं तिरुपति आज पहुँच जाता तो नहीं पहुँच पाया। कोशिश करते हैं कि चेन्नई पहुँचने का, कि चेन्नई पहुँच पाएंगे या नहीं। तो चलो भाई साहब हम हो चुके तैयार, और ये रहा अपना बोर्ड ये, और देखे चलते हैं इधर से पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर है, पेट्रोल पंप के पास जाता हूँ और वहाँ से लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा। तो भाई साहब वहाँ से मैं लगभग लगभग पेट्रोल पंप था वहाँ पे रुका, वहाँ से मैं टेम्पू पकड़ के इस रोड पे मैं आ गया हूँ, ये सीधा लेके चला जाएगा चेन्नई, पहले तो महाबलीपुरम उसके बाद चेन्नई, तो यहीं पर आया हूँ। और पीछे एक पेट्रोल पंप है आप लोग देख रहे होंगे, तो यहीं पर मैं बैठा हूँ और बहुत थक चुका हूँ आज बहुत ज़्यादा ही, जब यहाँ पर कोई आएगा पेट्रोल भरवाने ना तब मैं लिफ्ट मांग कर जाऊँगा। हाँ वीडियो वीडियो।